भी आपके उस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं कि क्या है एग्जैक्टली। एक कच्छ एक्सप्रेस, एक कच्छ का गांव है छोटा सा। उस गांव में एक कपल था, हस्बैंड बहुत पढ़ा लिखा था, वाइफ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, हस्बैंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में फॉरेन में या इंडिया में काम कर रहा था बड़े सिटीज के अंदर। तो उसका एक क्या बोलता है ऑफिस के अंदर इंट्रैक्शन एक फीमेल के साथ ज़्यादा हो गया। शी विल बी मोर स्मार्ट, मॉडर्न थी। उसको उस समय में लगा कि ये मेरे वाइफ से ये बेटर चॉइस है मेरे लिए ऑप्शन। तो वो थोड़ा सा उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया बिकॉज नंबर ऑफ टाइम उसके साथ 8 घंटा स्पेंड करने का इंट्रैक्शन बढ़ा और लेवल इज गॉन अप। आफ्टर दैट वाइफ को पता चला बाहर से तेरा हस्बैंड ये कर रहा है, तो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं इनोसेंट थी, तो उसने बोला ऐसा होते रहता है कुछ इतना ये नहीं है। बट एंड ऑफ द डे उसको पता चला कि उसका हस्बैंड उसको बिच कर रहा है। उसके अंदर एक आर्ट की एक कला थी, उसने उस आर्ट की कला में उसको एक आदमी ने सपोर्ट किया और वो ग्रो किया और इतना ग्रो किया कि उसको स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे अवार्ड्स मिले। और जब अवार्ड्स का टाइम आया, अवार्ड्स का टाइम, तो उसका हस्बैंड उसको वेलकम कर रहा है एंड उसको पता ही नहीं कि ये वो लेडी है जो मेरी वाइफ है। तो इसे एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अगर हम दोनों, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ग्रो करना है, तो दोनों को नेचुरल अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज करके ग्रो साथ में करो। दैट इज माई स्टोरी ओनली शॉर्ट।